चलिएगा, आज मेरा भूगोल का दूसरा पार्ट है, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को जिस नाम से जाना जाता है वह है, ऑप्शन ए है कोरोमंडल तट, ऑप्शन बी कोंकण तट, मालाबार तट या फिर कन्नड़ तट। आइएगा पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं भारत के तटीय मैदान की, तो भारत के अंतर्गत दो तटीय मैदान शामिल हैं। ए वाली दिशा भारत की पूर्वी दिशा है, इसलिए इस वाले तट को एक नाम दे दिया गया पूर्वी तट, और पीछे वाली दिशा पश्चिम होती है और इसको एक नाम दे दिया गया पश्चिमी तट। तो एक पूर्वी तट हो गया और दूसरा कौन सा तट हो गया, पश्चिमी तट। अगर हम पूर्वी तट की बात करते हैं, यहां से एक आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया कि पूर्वी तट का विस्तार कितने राज्यों में है, तो पूर्वी तट का विस्तार छह राज्यों में है, और सॉरी पश्चिमी तट का विस्तार कितने राज्यों में, छह राज्यों में, और पूर्वी तट का विस्तार कितने राज्यों में है, तो पूर्वी तट का विस्तार जो है वो चार राज्यों में है। अगर हम यहाँ पर राज्य को लिखते हैं तो यहाँ पर एक राज्य है गुजरात, गुजरात के बाद जो अगला राज्य हमें मिल जाता है इस राज्य का नाम है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद जो हमको अगला राज्य मिलता है इस राज्य का नाम है गोवा, गोवा के बाद अगला राज्य मिल जाता है कर्नाटक, कर्नाटक के बाद अगला राज्य मिल जाता है केरल, और साथ ही साथ यहां पर एक राज्य मिल जाता है तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद यहां पर एक राज्य है आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद यहां पर ओडिशा, और ओडिशा के बाद जो हमारा यहां पर बचता है वह है आपका पश्चिम बंगाल। अगर हम काउंटिंग करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अर्थात भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जो तट के किनारे हैं, तो इनकी संख्या निकल के आती है 9, लेकिन यहां पर तो हमने 4 और 6 कितना लिख दिया, 10। तो 10 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि तमिलनाडु राज्य एक ऐसा राज्य है जो पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोनों में कॉमन है, पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोनों के अंतर्गत आता है आपका कौन सा तट, सॉरी कौन सा राज्य, तमिलनाडु, ठीक ना। अब समझिएगा यहां पर गुजरात से लेकर, पूरा का पूरा गुजरात से लेकर गोवा तक का जो क्षेत्र है, गुजरात से लेकर गोवा तक के क्षेत्र को एक नाम दे दिया गया, और नाम दे दिया गया कोंकण तट। गोवा से लेकर कर्नाटक तक के क्षेत्र को, एक नाम दे दिया गया और नाम दे दिया गया कन्नड़ तट। कौन सा तट, कन्नड़ तट। और कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु तक के क्षेत्र को, एक नाम दे दिया गया और नाम दे दिया गया मालाबार तट। क्या नाम दे दिया गया, मालाबार तट। उसी प्रकार यहां पर पश्चिम बंगाल से आंध्र प्रदेश तक के क्षेत्र को, एक नाम दे दिया गया और नाम दे दिया गया उत्कल तट या कलिंग तट, इसी को एक नाम दे दिया गया कलिंग तट। तो उत्कल तट या कलिंग तट कहां से कहां तक है, मानचित्र में हमने आपको बताया है कि पश्चिम बंगाल से लेकर आंध्र प्रदेश तक के क्षेत्र को, और आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक का जो क्षेत्र है इस वाले क्षेत्र को एक नाम दे दिया गया और नाम दे दिया गया कोरोमंडल तट। क्या नाम दे दिया गया, कोरोमंडल तट, ठीक ना। तो इस प्रकार से ये भारत के तटीय मैदान है, तटीय तट के किनारे स्थित राज्यों की संख्या 9 है, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोनों में शामिल है। अब आते हैं प्रश्न पर, हमने व्याख्या कर दी, अब प्रश्न में क्या कह रहा था, तो प्रश्न को समझ लेते हैं। भारत के पश्चिम तटीय मैदान के, दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है। हमेशा याद रखिएगा कि ऊपर वाली दिशा उत्तर और नीचे वाली दिशा दक्षिण है, तो पश्चिम तट के यानी इस वाले पर जो दक्षिणी क्षेत्र है इसको किस नाम से जानते हैं। तो अगर मानचित्र में हम देखेंगे तो इस ऊपर वाली दिशा उत्तर हो गई, तो उत्तर पूछता तो कोंकण तट, मध्य क्षेत्र पूछता तो कन्नड़ तट, और दक्षिणी क्षेत्र पूछा है तो दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा तट आ जाएगा, मालाबार तट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, और ऑप्शन सी में क्या है, मालाबार तट। तो मालाबार तट पश्चिमी तट का सबसे दक्षिणी भाग है, ठीक ना। समझ में आ गया प्रश्न नंबर एक, समझ में आ गया, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर दो की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर दो, सही कूट का चयन कीजिए, ऑप्शन ए कह रहा है
दक्षिण भारत की नदियां विसर्पण अधिक मात्रा में करती हैं, जबकि थोड़ा सा कट रहा है, मैं फिर से बता दे रहा हूं, चलिए समझिएगा फिर से, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, सही कूट का चयन कीजिएगा। दक्षिण भारत की नदियां विसर्पण अधिक मात्रा में करती हैं, जबकि हिमालय नदियां कम करती हैं, ठीक ना। एक एक से हम पॉइंट समझते जाएंगे, कूट वाला है, एक से ज्यादा या दो से ज्यादा भी आंसर सही हो सकते हैं, देखिएगा। तो दक्षिण भारत की नदियां और हिमालयी नदियां, मतलब यहां से हमें एक बात पता चल गई कि भारत में दो प्रकार की नदियां हैं, एक हिमालय से निकलती हैं और दूसरी दक्षिण भारत से। अगर हम हिमालय की नदियों और दक्षिण भारत की नदियों में अंतर ज्ञात करें कि हिमालय की नदियों और दक्षिण भारत की नदियों में क्या अंतर होता है, कि तो अंतर ये होता है कि जो भी नदी हिमालय क्षेत्र से निकलती है, हिमालय में यहां पर एक शब्द लिखा हिम और हिम के हिम का अर्थ होता है बर्फ, तो हिमालय पर बर्फ पाई जाती है और बर्फ के पिघलने से किसका निर्माण हो जाता है, बर्फ के पिघलने से निर्माण हो जाता है पानी का, और वर्ष भर बर्फ पिघलती है और वर्ष भर हिमालय से निकलने वाली नदियों में जल होता है, इसलिए हिमालय से निकलने वाली नदियों को सदाबहार नदियों के नाम से जानते हैं, या इन्हीं नदियों को बारहमासी नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। पहली बात, दूसरी बात, दूसरी नदी जो हमारी है ये है दक्षिण भारत की नदी, दक्षिण भारत की नदियां। तो अगर दक्षिण भारत की नदियों की बात करें, दक्षिण भारत की नदियों की अगर हम बात करते हैं, तो दक्षिण भारत की नदियों में पानी केवल बरसात के समय जब बरसात आती है, ये रहा आपका दक्षिण भारत, कोई ग्लेशियर तो यहाँ पर है नहीं, यानी बर्फ तो है नहीं, जब मानसून आता है तो मानसून यहाँ पर क्या करता है, वर्षा करता है, वर्षा करने के कारण नदियों में जल आ जाता है, तो केवल बरसात के समय यहाँ की नदियों में पानी पाया जाता है, इसलिए दक्षिण भारत की नदियों को एक नाम और दे दिया गया, और दक्षिण भारत की नदियों को नाम दे दिया गया बरसाती नदियां। क्या नाम दे दिया गया? नाम दे दिया गया बरसाती नदियां, ठीक ना। इतनी बात क्लियर है? चलिए, इतनी बात क्लियर है। तो अब कह रहा है कि दक्षिण भारत की नदियां विसर्पण अधिक मात्रा में करती हैं और उत्तर भारत की नदियां कम, तो विसर्पण क्या होता है? तो विसर्पण होता है नदी का कई बार सर्प की आकार में चलना। इसी को अगर आप फिजिक्स पढ़िएगा तो ऊपर वाले को सरिंग और नीचे वाले को गर, तो यदि कोई नदी इस प्रकार से चलती है तो इसी को नाम दे दिया जाता है विसर्पण। और कोई भी नदी का विसर्पण करेगी तो नदी का विसर्पण दो बातों पर तय करता है। पहला, इस बात पर निर्भर करता है नदी का विसर्पण के नदी जहां पर भी विसर्पण करेगी वह क्षेत्र कैसा है। क्षेत्र कैसा मतलब वह क्षेत्र कठोर है या कोमल है, कठोर है या कोमल यानी मुलायम। तो अगर कठोर संरचना है, कठोर संरचना में नदी कई भागों में विभाजित नहीं हो पाएगी, लेकिन यदि यदि मुलायम संरचना है तो मुलायम संरचना में नदी कई भागों में क्या हो जाती है, विभाजित। मान लीजिएगा आपके पास एक पक्का एक फर्श है, आपके पास टाइल्स लगा हुआ एक प्लेस है, आप यहां पर पानी डालिएगा तो देखिएगा पानी एक धारा के रूप में चलता है। और यदि एक कच्चे मैदान में आपके पास एक आंगन है जो कि मिट्टी से निर्मित कच्चा है, और यदि उस कच्चे मैदान में आप पानी डालते हैं तो आप देखिएगा पानी कई भागों में विभाजित हो जाता है, ठीक ना, कई भागों में विभाजित हो जाता है। तो विसर्पण कोई नदी करती है तो विसर्पण कब करेगी नदी, ये निर्भर करता है उसके क्षेत्र पर। दूसरा निर्भर करता है जल की मात्रा पर। दूसरा निर्भर किस पर करता है, तो दूसरा निर्भर करता है जल की मात्रा पर। ऐसे अगर नदी में, या जो मैंने अभी आपको एक फॉर्म बताया कि यदि आप पानी डालिए, यदि कम पानी डालेंगे तो थोड़े समय के बाद वो पानी क्या होगा, धरातल उसको अवशोषित कर लेगा, लेकिन यदि पानी की मात्रा अधिक होगी तो जितनी आवश्यकता होगी उतना अवशोषण होगा, बकाया पानी आगे बढ़ता जाएगा। तो यदि जल की मात्रा अधिक है तो सीधी सी बात है विसर्पण नदी अधिक मात्रा में करेगी। अब हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, एक तो मुलायम होनी चाहिए, हमारा धरातल मुलायम होनी चाहिए क्षेत्र, और जल की मात्रा क्या होनी चाहिए, जल की मात्रा अधिक होनी चाहिए। तो कौन सी नदी में जल की मात्रा अधिक रहती है, तो किस नदी में जल की मात्रा अधिक रहती है, बारहमासी नदी में। और बारहमासी नदी निकलती कहां से है, तो बारहमासी नदी निकलती हिमालय से, मतलब हिमालय की नदियों में हमेशा जल रहेगा इसलिए विसर्पण करेगी। अब दूसरी बात देखते हैं क्षेत्र, तो हिमालय से जब नदियां निकलती हैं, अगर मैं ऐसा हिमालय बनाऊं, मान लीजिएगा ये आपका हिमालय है,
तो हिमालय से जब नदी निकलती है तो हिमालय के दक्षिण में जो क्षेत्र है इसको मैदानी क्षेत्र कहा गया, उत्तर भारत का मैदान, और उत्तर भारत का मैदान जो है वो नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से निर्मित है, अर्थात उत्तर भारत का मैदान मुलायम है। इसके विपरीत अगर हम बात करें दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत से जब नदी निकलेगी तो दक्षिण भारत में पठारी क्षेत्र है, और दक्षिण भारत में पठारी क्षेत्र होने के कारण यहाँ की चट्टानें कठोर हैं, और कठोर चट्टान होने के कारण नदी में पहली बात तो पानी भी कम रहता है, और दूसरी बात कठोर चट्टान होने के कारण यहाँ की नदियां विसर्पण नहीं करती हैं, अर्थात उत्तर भारत यानी हिमालय से निकलने वाली नदियां विसर्पण अधिक मात्रा में करेंगी, जबकि दक्षिण भारत की नदियां विसर्पण कम मात्रा में करेंगी। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कहां की नदियां विसर्पण अधिक करेंगी, हिमालय की, और कहां की कम, दक्षिण भारत की। कह रहा है दक्षिण भारत की नदियां विसर्पण अधिक करती हैं, ये तो गलत हो गया भैया, मैंने अभी अभी आपको बताया कि दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो विसर्पण अधिक नहीं करती हैं, बल्कि वो विसर्पण कम करती हैं, तो ये वाला क्वेश्चन तो गलत हो गया, ठीक ना, ऑप्शन ए तो गलत हो गया। अब देखिएगा कई बार हम लोग मिला लेते हैं, तो पहला पहला पहला, ठीक ना, इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं, ठीक ना, लेकिन हम चारों ऑप्शन करेंगे। अगला कह रहा है पश्चिम तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक ऊंचा है, तो मैंने अभी मैदान का डायग्राम बनाया था तटीय मैदान का, देख लेते हैं, ये है हमारा तटीय मैदान, ये पश्चिम तटीय मैदान है और ये पूर्वी तटीय मैदान है, मैं एक बार और इसको बनाता हूं। अभी देखिएगा, मान लीजिएगा ये आपका मैदान है, ये वाला क्षेत्र पूर्वी तटीय मैदान हो गया, और ये वाला क्षेत्र कौन सा हो गया, ये वाला क्षेत्र पश्चिम तटीय मैदान। दक्षिण भारत में अधिकांश नदियां इस प्रकार से निकलती हैं, गोदावरी जा रही है, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, ठीक ना, और यहां पर पेनार नदी, बैगई नदी, तो नदी पश्चिम तट से पूर्वी तट की ओर जा रही है। अगर हम नदी की बात करें, नदी यानी जल, तो नदी हमेशा ऊंचे वाले स्थानों से निचले स्थानों की ओर जाएगी, या निचले स्थानों से ऊपर की ओर, तो निचले स्थानों से ऊपर की ओर तो नहीं जाएगी, बल्कि ऊंचे वाले स्थानों से नदी निचले स्थानों से आती है। इसका मतलब यह है कि निश्चित रूप से जो हमारा पश्चिमी तटीय मैदान है, निश्चित रूप से यह है पूर्वी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक ऊंचा होगा, इसलिए यहां से निकलने वाली नदियां पूर्वी तटीय मैदान की ओर गति करती है, ठीक ना। तो कौन सा ऊंचा होगा, कौन सा ऊंचा होगा, पश्चिम तट का मैदान या पश्चिम तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक ऊंचा होगा, तो ये वाली बात तो सही लिखी है, लिखा है पश्चिम तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक ऊंचा है, तो ये वाली बात सही हो गई, ये वाली बात गलत हो गई, ठीक ना। अगला कह रहा है कावेरी नदी के डेल्टाई क्षेत्र में कह रहा है कावेरी नदी के डेल्टाई क्षेत्र में पुदुचेरी का एनम जिला है। पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित राज्य है, पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित राज्य है जिसके अंतर्गत, पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित राज्य है जिसके अंतर्गत चार जिले आते हैं, और ये चारों के चार जिले अलग अलग राज्यों में स्थित है। केरल में पुदुचेरी का एक जिला स्थित है जिसका नाम है माहे जिला, कौन सा जिला है, माहे जिला। उसके बाद आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में इसका एक और जिला है, और आंध्र प्रदेश में इसका जो जिला स्थित है उसका नाम है एनम। और तमिलनाडु में पुदुचेरी के, तमिलनाडु में पुदुचेरी के दो जिले स्थित हैं, एक का नाम क्या है, तो एक का नाम है कराईकल, कराईकल जिला, और दूसरे का नाम है पांडिचेरी, तो कराईकल और पांडिचेरी। अब पूछ रहे हैं कि यमन सॉरी एनम कावेरी नदी के डेल्टाई क्षेत्र में है। अगर हम कावेरी नदी की बात करते हैं तो कावेरी नदी केरल से निकलती है और कर्नाटक तमिलनाडु से होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती है, कहां, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में अगर डेल्टा बनाएगी, इसका मतलब है कि एनम को कहां होना चाहिए था, तमिलनाडु में, तब कहीं जाके एनम कावेरी नदी के डेल्टाई क्षेत्र में होगा, मतलब एनम कावेरी नदी के डेल्टाई क्षेत्र में नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि एनम जो है वो आंध्र प्रदेश में है, और आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के डेल्टाई क्षेत्र में है, कहां पर है, गोदावरी नदी के डेल्टाई क्षेत्र में पुदुचेरी का एक जिला है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है एनम, ठीक ना। तो ये वाली बात भी यहां से क्या हो जाती है, यह वाली बात भी यहां पर गलत हो जाती। अब क्वेश्चन हम इसी में प्रश्न नंबर दो का ऑप्शन चार कह रहा है कोरोमंडल तट वृष्टि छाया प्रदेश का या वृष्टि छाया क्षेत्र का उदाहरण है। तो हमें यह समझना है कि वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है, वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है। अगर हम वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार होता है, ये भारत है और यहां पर
केरल राज्य है और यहां पर तमिलनाडु है। केरल और तमिलनाडु की सीमा पर यहां पर कुछ पर्वत है, नीलगिरी अन्नामलाई काडबम, नीलगिरी अन्नामलाई काडबम यहां पर पर्वत हैं। जब मानसून यहां से आता है, बंगाल दक्षिण पश्चिम मानसून जब यहां पर आता है तो ये पर्वत मिल जाते हैं बीच में, और यह पर्वत क्या करते हैं, यहां से जो मानसून जा रहा होता है इस मानसून को आगे बढ़ने से रोक लेते हैं। जब इस मानसून को आगे बढ़ने से रोक लेते हैं तो यहां पर केरल के क्षेत्र में तो वर्षा हो जाती है, लेकिन तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, तमिलनाडु का जो क्षेत्र है यह क्षेत्र सूखा रह जाता है, क्योंकि मानसूनी पवन यहां पर जब आती है तो इन पवनों में आर्द्रता नहीं होती है, क्योंकि यह आर्द्रता इन पर्वतों से टकराने के बाद पूरी की पूरी आर्द्रता केरल राज्य में छोड़ देती है। तो यहां पर तमिलनाडु क्षेत्र में जब ये आती है तो आर्द्रता नहीं होती है, इसलिए तमिलनाडु में वर्षा ऋतु में वर्षा नहीं होती है। तो ऐसे क्षेत्र जहां पर वर्षा ऋतु में वर्षा नहीं होती है ऐसे क्षेत्र को हम वृष्टि छाया प्रदेश या ऐसे क्षेत्र को हम वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं, ठीक ना, रेन शैडो एरिया कहते हैं, ठीक ना, रेन शैडो एरिया, ठीक ना। तो तमिलनाडु में वृष्टि छाया क्षेत्र, ठीक ना। चलिए तो अब देख लेते हैं ऑप्शन में क्या कह रहा है। कह रहा था कोरोमंडल तट वृष्टि छाया प्रदेश का उदाहरण, कोरोमंडल तट। अभी अभी मैंने बताया आपको कि कोरोमंडल तट की अगर बात करते हैं हम तो कोरोमंडल तट कहाँ है, ए है यहां पर, और यहीं पर वर्षा ऋतु में वर्षा नहीं होती है। तो ये वाली बात भी यहां से क्या हो गई, ये वाली बात भी यहां से सही हो गई। तो अगर देखें तो ये वाला ऑप्शन सही, इसमें कोरोमंडल तट वृष्टि छाया प्रदेश का उदाहरण है सही, और पश्चिम तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक ऊंचा है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर फोर्थ ये दोनों सही होने चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन हमारा मिल गया सी, जिसमें सेकंड और फोर्थ दोनों के दोनों कूट में सही है, ठीक ना, दोनों के दोनों कूट में क्या है, दोनों के दोनों कूट में सही है। चलिए हो गया, समझते जाइए एक एक बात। और जो हमारे क्लास के स्टूडेंट हैं जिन्हों जिनका इंडियन ज्योग्राफी हो गया है, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी के बैच के हों चाहे वो पीसीएस के बैच के हों, दोनों के दोनों परीक्षा लोक सेवा आयोग आयोजित कराएगा। आप देख सकते हैं सारे के सारे प्रश्न आपको क्लास नोट्स में मिल जाएंगे, क्लास में मैंने सारा का सारा आपको पढ़ाया हुआ है। नीचे हमारे स्क्रॉलिंग में नंबर चल रहा है जिसमें आप किसी भी बैच में प्रवेश के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं, नीचे स्क्रॉलिंग में नंबर है। और आपके सामने क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मंगलौर, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी दिल्ली। तो ये तो शहरों का पूछ रहा है कि किस शहर में दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा वर्षा कम मात्रा में होती है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम इनके राज्य देख लेते हैं, कोलकाता कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, इतना तो जानते हैं ना भाई। मंगलौर कहाँ पर है, कर्नाटक में। चेन्नई कहाँ है, तमिलनाडु में। और दिल्ली कहाँ पर है, तो दिल्ली दिल्ली में ही केंद्र शासित जिला है हमारा या केंद्र शासित राज्य। मैंने अभी अगर पिछले प्रश्न की बात करें तो मैंने अभी अभी आपको बताया है कि इस प्रकार से दक्षिण पश्चिम मानसून अगर बात करते हैं भारत की साउथ दिशा है और ये आपकी वेस्ट है, आगे वाली ईस्ट होती है। तो यहां से जो मानसून आता है, मानसून एक प्रकार की पवन होती है और पवनों का नामकरण जिस दिशा से मानसून पवन आती है उसी के आधार पर उसका नामकरण करते हैं। जैसे पूरब से आने वाली पवनों को पुरवैया कहते हैं और पश्चिम से आने वाली पवनों को पछुआ कहते हैं, वैसे ये पवन दक्षिण पश्चिम से आ रही है इसलिए इसको दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवन कहते हैं। जब दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवन इस प्रकार से यहां पर आती है, दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवन जब इस प्रकार से आती है तो यहां पर एक राज्य है, इस राज्य का नाम केरल। और अभी हमने बताया कि केरल में यहां पर कुछ पर्वत हैं जो क्या करते हैं इस मानसून को आगे बढ़ने से रोक लेते हैं। जब मानसून को आगे बढ़ने से रोक लेंगे तो केरल के कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में वर्षा नहीं होती, और तटीय क्षेत्र में वर्षा न होने के कारण ही यहाँ पर एक शहर है चेन्नई जहां पर दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा वर्षा नहीं हो पाती है। इसी क्वेश्चन को आयोग घुमाकर भी पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछता है कि भारत के यही चार ऑप्शन है, इन चारों शहरों में से भारत का वह है शहर का नाम बताइएगा जो वर्षा ऋतु में सूखा रह जाता है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। तो कह रहा है कि ऐसी बात नहीं है कि यहां पर वर्षा नहीं होती, वर्षा होती है तमिलनाडु में, कोरोमंडल तट पर लौटते हुए मानसून के द्वारा वर्षा होती है। वो प्रश्न कह रहा है कि इन चारों शहरों में से वह कौन सा शहर है जहां पर वर्षा ऋतु में वर्षा नहीं होती है, तब भी आपका आंसर चेन्नई रहेगा। और अभी भी इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर चेन्नई है,
ये हमारा कोरोमंडल तट है। एक और क्वेश्चन यहां से बना देगा, भारत का वह क्षेत्र बताइएगा, भारत का वह तटीय मैदान बताइएगा जो वर्षा ऋतु में सूखा रह जाता है, तब भी हमारा आंसर क्या होगा, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। ठीक ना, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट यहां पर सही आंसर हो जाएगा, और इस वाले प्रश्न का सही आंसर हमारा चेन्नई हो जाएगा। ठीक ना, चले प्रश्न नंबर तीन के बाद आते हैं प्रश्न नंबर चार पर। कह रहा है तिस्ता एवं दिहांग नदी के बीच में कौन सा हिमालय स्थित है। नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया गया, और नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन जिस भूगर्भ शास्त्री ने किया, उस भूगर्भ शास्त्री का नाम जो है, उस भूगर्भ शास्त्री का नाम जिसने नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया, उसका नाम है सर सिडनी बुराट। क्या नाम है, सर सिडनी बुराट उस व्यक्ति का नाम है। इन्होंने बताया, मान लीजिएगा ऐसा हमारा ये भारत है, ठीक ना, इस प्रकार से मान लीजिएगा हमारा भारत है, और यहां पर पर्वत श्रृंखला है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला है, यहां पर ऐसा बृहद हिमालय फैला हुआ है, यहां पर आपका ऐसा लघु हिमालय फैला हुआ है, और लघु हिमालय के साथ साथ यहां पर आपका शिवालिक हिमालय फैला हुआ है। ठीक ना, शिवालिक हिमालय यहां पर फैला हुआ है। मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है, मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है जो इस प्रकार से होते हुए पाकिस्तान में जाती है। इस नदी का जो नाम है, इस नदी का नाम है सिंधु, और इसी मानसरोवर झील से एक और नदी निकलती है जो इस प्रकार से होते हुए पाकिस्तान चली जाती है। इस नदी का नाम भी क्या है, इस नदी का नाम भी है सतलज। क्या नाम है इसका, तो इस नदी का नाम है आपकी सतलज। कौन सी नदी, सतलज। तो सिंधु और सतलज के बीच का जो क्षेत्र, यानी इस वाले क्षेत्र की बात हो रही है, तो सिंधु और सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को एक नाम दे देते हैं, नाम देते हैं कश्मीर या पंजाब हिमालय, कश्मीर या पंजाब हिमालय। क्या नाम दे दिया जाता है, नाम दे दिया जाता है कश्मीर या पंजाब हिमालय, कहां पर, सिंधु और सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को। ठीक ना, उसके बाद नेपाल से यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है काली नदी। इस नदी का नाम क्या है, काली। तो एक नदी काली है और एक नदी सतलज, तो सतलज और काली नदी के बीच के क्षेत्र को, सतलज और काली नदी के बीच के क्षेत्र को एक नाम दे दिया गया, और नाम दे दिया गया कुमायूं। क्या नाम दे दिया गया, नाम दिया गया कुमायूं हिमालय। क्या नाम दे दिया गया, नाम दे दिया गया कुमायूं हिमालय। उसके बाद यहां पर तिस्ता नदी निकलती है, जेबू ग्लेशियर है, और यहां से निकलती हुई बांग्लादेश में जाती है। इस नदी का नाम है तिस्ता, तो तिस्ता नदी हो गई यहां पर, और यहां पर काली, तो काली और तिस्ता नदी के जो बीच का क्षेत्र है यह नेपाल में है, और इसको एक नाम दे दिया गया, और इसको नाम दे दिया गया नेपाल हिमालय। क्या नाम दे दिया गया, इसको नाम दे दिया गया नेपाल हिमालय। इसी मानसरोवर झील से इस प्रकार से यहां से एक नदी और निकलती है, और अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहते हैं, उसके बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है। तो इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है दिहांग। कौन सी नदी है, दिहांग, यानी ब्रह्मपुत्र नदी है, और ब्रह्मपुत्र नदी को जो अरुणाचल प्रदेश है वहां पर दिहांग नाम से जाना जाता है। तो एक नदी हमारी है यहां पर तिस्ता, और एक है दिहांग, तो तिस्ता और दिहांग नदी के बीच वाले क्षेत्र को एक नाम दे दिया गया, और नाम दे दिया गया असम हिमालय। क्या नाम दे दिया गया, नाम दे दिया गया असम हिमालय। अब देखिएगा कौन सा पूछ रहा है, तिस्ता एवं दिहांग नदी के बीच के क्षेत्र, तो तिस्ता और दिहांग के बीच के क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं, असम हिमालय। तो ये रहा, किस नाम से जानते हैं असम हिमालय के नाम से जानते हैं, किसको, तिस्ता एवं दिहांग नदी के बीच वाले क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। बकाया हिमालय कहां पर कौन सा है, हमने पढ़ा दिया नेपाल हिमालय काली और तिस्ता नदी के बीच के क्षेत्र में, उसके बाद कुमायूं हिमालय जो है वो सतलज और काली नदी के बीच के क्षेत्र में, और पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय सिंधु और सतलज नदी के बीच के क्षेत्र में। बोलिए क्लियर भाई, अगला पढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं चार के बाद। प्रश्न नंबर पांच आपकी स्क्रीन पर है।
प्रश्न नंबर 5 कह रहा कौन सा सही सुमिलित नहीं है, एक साइड घास के मैदान लिखे हैं और दूसरी साइड देश लिखे हैं, ठीक ना। एक साइड घास के मैदान लोक सेवा आयोग इस प्रकार के प्रश्न पूछता है। आप अगर यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2019 का प्रश्न पत्र देखेंगे इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। कह रहा एक साइड घास के मैदान और एक साइड जो है वो उनसे संबंधित देश लिखे हैं, ठीक ना। तो अगर हम बात करें डाउन्स घास के मैदान, तो डाउन्स घास के मैदान जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। मान लीजिएगा ये ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, रेखा का नाम है मकर। तो यहां पर मर्रे और डार्लिंग नदियां बहती हैं, तो मर्रे और डार्लिंग नदी के बीच के क्षेत्र में यहां पर एक घास के मैदान का विकास हुआ है जिसका नाम है डाउन्स घास के मैदान। शीतोष्ण कटबंधीय घास के मैदान है, मकर रेखा के नीचे और कर्क रेखा के ऊपर स्थित कटबंध को शीतोष्ण कटबंध या उपोष्ण कटबंध के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। तो ये वाला सही सुमेल है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका, अगर बात करते हैं हम दक्षिण अफ्रीका, तो ऐसा है अफ्रीका महाद्वीप है ये, इस प्रकार से अफ्रीका है और यहां से एशिया है। तो यहां पर दक्षिण अफ्रीका है और यहां से कर्क रेखा, यहां से ऐसी विषुवत रेखा और यहां से कौन सी मकर रेखा गुजरती है। तो यहां डाउन्स घास के मैदान है, सॉरी बेल्ड घास के मैदान है, और बेल्ड घास के मैदान कहां पर है, साउथ अफ्रीका में। यह भी शीतोष्ण कटबंधीय घास के मैदान है और आपको याद रखना है जो भी शीतोष्ण कटबंधीय घास के मैदान होंगे वहां पर कम टेम्परेचर पाए जाने के कारण और ठीक ठाक वर्षा होती है, औसतन वर्षा होती है, इसलिए वहां पर गेहूं की कृषि की जाती है और इसलिए गेहूं को उपोष्ण कटबंधीय फसल के नाम से जानते हैं। तो बेल्ड घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, यह भी सही है। उसके बाद पंपास, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक देश है जिसको दक्षिण अमेरिका का चावल का कटोरा कहा जाता है। यहां पर अर्जेंटीना और यहां से एक रेखा गुजरती मकर, तो यह भी उपोष्ण कटबंधीय घास के मैदान है। और अर्जेंटीना में जो घास के मैदान पाए जाते हैं इनको किस नाम से जानते हैं, पंपास। उसके बाद लिखा प्रेयरी, तो बाबू प्रेयरी घास के मैदान जो है वो कनाडा में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि प्रेयरी घास के मैदान जो है ये आपका कनाडा है और ये आपका यूएसए, तो यूएसए में पाए जाते हैं महान झीलों के निचले क्षेत्र में प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं और यह भी उपोष्ण कटबंधीय घास के मैदान है, ठीक ना। किस प्रकार के, नीचे से यहां पर एक कर रेखा गुजरती कर, तो यह भी उपोष्ण कटबंधीय घास के मैदान है। हमने यहां से आपको दो क्वेश्चन करा दिए, ये जो चारों घास के मैदान लिखे सभी के सभी उपोष्ण घास के मैदान है, उपोष्ण कटबंधीय घास के मैदान है। और आपको याद रखना है कि उपोष्ण कटबंधीय घास के मैदानों में मक्का और मक्का के साथ साथ गेहूं की कृषि सबसे अधिक मात्रा में होती है। गेहूं की कृषि, मुख्य रूप से गेहूं की कृषि उपोष्ण कटबंधीय क्षेत्र में अधिक होती है और उष्ण कटबंधीय जो घास के मैदान होते हैं, उष्ण कटबंधीय घास के मैदानों में चावल की कृषि अधिक मात्रा में की जाती है। किसकी खेती, चावल की, ठीक ना। चलिए, तो कौन सा सही सुमेल नहीं है, तो प्रेयरी का संबंध कनाडा से नहीं है बल्कि प्रेयरी घास के मैदानों का संबंध यूएसए से है। कहां से है, तो प्रेयरी घास के मैदान आपके यूएसए में पाए जाते हैं, ठीक ना, हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 5 के बाद आते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 बड़ा अच्छा प्रश्न है, सही उत्तर का चयन कीजिएगा। भारत में सर्वाधिक मात्रा में काली मृदा पाई जाती है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी काली मिट्टी होती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद बेंगलुरु में है और नवीन जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है, ठीक ना। आइएगा समझते हैं मृदा से, एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये, देखते हैं इसको। अगर हम बात करें तो एक हमारा संस्थान है ICAR, जिसको इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च कहा जाता है, हिंदी में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है वो आपका दिल्ली में है, कहां पर है, दिल्ली में। और इसी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा भारत की मिट्टियों का वर्गीकरण किया गया और इसके द्वारा जो भारत की मिट्टियों का वर्गीकरण किया गया इसके द्वारा बताया गया कि भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, 8। एक मिट्टी का नाम है जलोढ़ मृदा, दूसरी मिट्टी का नाम है लाल या पीली मृदा। उसके बाद अगली मिट्टी आती है जिसका नाम है काली मृदा,
लाल या पीली मिट्टी के बाद काली मृदा, काली मिट्टी के बाद आती है लैटेराइड मृदा, लैटेराइड लैटेराइड मृदा और जलोढ़, लाल पीली काली लैटेराइड, उसके बाद पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मृदा, पर्वतीय के बाद वनीय मृदा, वनीय मृदा, उसके बाद लवणीय या क्षारीय मृदा, लवणीय मृदा, और लवणीय मृदा के बाद पीट मृदा। कौन सी मिट्टी? पीट मृदा, ठीक ना, कौन सी मिट्टी होती है? पीट। तो ये 8 प्रकार की मिट्टियां हैं, और जैसे जैसे आप जलोढ़ मिट्टी से पीट या दलदल मिट्टी की ओर जाएंगे तो इनके क्षेत्रफल में, इनके क्षेत्रफल में क्या आती है? इनके क्षेत्रफल में कमी आ जाती है, इनके क्षेत्रफल में कमी आ जाती है। मतलब भारत में जो सबसे अधिक मात्रा में मिट्टी पाई जाएगी वो जलोढ़ मिट्टी है। अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो कहीं पर 46% लिखा मिलता है, कहीं पर 45% लिखा मिलता है, कहीं पर 42% लिखा मिलता है। तो आपको परसेंटेज याद नहीं रखना है, आपको मुख्य रूप से इन 4 मिट्टियों का क्रम याद रखना है। ये 4 मिट्टी, जलोढ़, लाल, काली, पीली और लैटेराइड, ये जो 4 मिट्टी है ये भारत के अधिकांश क्षेत्रफल में पाई जाती है। अधिकांश क्षेत्रफल में पाए जाने के कारण इनको एक नाम दे दिया गया, और इनको नाम दे दिया जाता है मेजर सॉइल। और ये 4 मिट्टियां कम मात्रा में पाई जाती हैं, और कम मात्रा में पाए जाने के कारण इनको एक नाम दे दिया गया, और नाम दे दिया गया माइनर सॉइल। तो मेजर सॉइल और माइनर सॉइल, ठीक ना, दो बातें हो गई। अगली बात क्या उसमें पूछा गया है, प्रश्न देख लेते हैं एक बार। भारत में सर्वाधिक मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती, भाई ये तो गलत हो गया, भारत में सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मृदा पाई जाती। उसके बाद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहां पर है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद बेंगलुरु में नहीं है, बल्कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है वो आपका कहां पर है? दिल्ली में। तो ये दो बातें तो गलत हो गई। अब अगला कह रहा है स्वतः जुताई वाली मिट्टी काली होती है। देखिएगा, काली मिट्टी का यह गुण होता है, काली मिट्टी का यह गुण होता है कि मान लीजिएगा ये काली मिट्टी का क्षेत्र है, और काली मिट्टी की यह विशेषता होती है कि काली मिट्टी में जैसे ही पानी डालेंगे और पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, और पानी अधिकता होने पर, पानी की अधिकता होने पर काली मिट्टी चिपचिपी हो जाती है। काली मिट्टी कैसी हो जाती है? तो काली मिट्टी चिपचिपी हो जाती है, और जब इसमें पानी सूख जाता है तो पानी के सूख जाने के कारण इसमें गहरी गहरी दरारों का निर्माण हो जाता है, और गहरी गहरी दरारों का निर्माण होने के कारण, गहरी गहरी दरारों का निर्माण होने के कारण ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसमें रोटावेटर चलाकर इसकी क्या कर दी हो? जुताई कर दी हो। परंतु यह प्रक्रिया कोई करता नहीं है, यह प्रक्रिया अपने आप होती है, और यह प्रक्रिया अपने आप होने के कारण ही काली मिट्टी को एक नाम दे दिया जाता है, स्वतः जुताई वाली मृदा। क्या नाम दे दिया जाता है? एक नाम दे दिया जाता है, और नाम दे दिया जाता है स्वतः जुताई वाली मिट्टी, अर्थात एक ऐसी मिट्टी जिसमें अपने आप जुताई हो जाती है, उसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है, तो काली मिट्टी, ठीक ना। तो ये वाली बात इसमें सही है। डी और देख लेते हैं। कह रहे नवीन जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। आइएगा, इसको हम एक यूनिक तरीके से आपको समझाते हैं, समझिएगा। देखिएगा, अगर हम बात करें जलोढ़ मृदा की, इंग्लिश में एलुवियल सॉइल बोलते हैं जलोढ़ मृदा, तो जलोढ़ मृदा नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी है, नदियों के द्वारा, नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा, नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा। कोई भी नदी जो होती है, नदी में केवल जल नहीं होता है, नदी जल को लेकर अकेले नहीं बहती है, बल्कि नदी जल के साथ साथ रेत, कंकड़, पत्थर, बालू, चीका, मिट्टी आदि पदार्थों को भी लेकर बहती है, और उन्हीं आदि पदार्थों को हमने नाम दे दिया औषाद। और नदी जब ऐसे प्रवाहित हो रही होती है तो नदी क्या करती है? नदी एक जगह पर, नदी एक जगह पर आकर अपने औषाधों को एकत्रित कर देती है, अपने औषाधों को एक स्थान पर आकर छोड़ देती है, और नदी का एक स्थान पर आकर अपने औषाधों को छोड़ने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? निक्षेपण कहा जाता है। मान लीजिएगा कि नदी आई और नदी अपने साथ औषाधों को बहाकर लाई, और नदी ने अपने औषाधों को यहां पर एकत्रित कर दिया, तो ये नदी के द्वारा अभी अभी लाया गया औषाध है, और नदियों के द्वारा जो नया अवसाद आता है, इस नए अवसाद को एक नाम दे दिया जाता है, और नाम दे दिया जाता है खादर मृदा।
क्या नाम दे दिया जाता है इसको? तो इसको एक नाम दे दिया जाता है और नाम दे दिया जाता है खादर मृदा। ऐसा तो है नहीं कि नदी एक ही बार अवसादों को बहाकर लाए, ऐसा तो नहीं है कि नदी एक ही बार अवसादों को बहाकर लाए, फिर से नदी आएगी और नदी अपने साथ अवसादों को बहाकर लाएगी। अब जो कि यहां पर पहले से अवसाद एकत्रित है, अब मान लीजिएगा नदी ने अपना अवसाद जो है वो यहां पर एकत्रित कर दिया, नदी ने अपना अवसाद मान लीजिएगा यहां पर एकत्रित कर दिया, और जब नदी ने अपना अवसाद यहां पर एकत्रित कर दिया, जो मैंने ग्रीन कलर के पेन से बनाया है, तो बताइएगा जो ग्रीन कलर से बनाया और जो ब्लू पेन से बनाया कौन नवीन कौन पुराना? तो जो ग्रीन कलर से बना अब ये नवीन हो गया, और नवीन जलोढ़ मृदा को हम किस नाम से जानेंगे? खादर। और अब जो पहले बनाए थे ये प्राचीन हो गया, और जब ये प्राचीन हो गया तो इसी को हम क्या नाम दे देंगे? इसको हम एक नाम दे देंगे बांगर। क्या नाम दे देंगे? बांगर। तो बांगर जो है वो प्राचीन जलोढ़ मृदा है। कैसी है? प्राचीन जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं, और जो अभी अभी नदियों के द्वारा बहाकर नई मृदा आई है, नई जलोढ़ मृदा। कौन सी? नई जलोढ़ मृदा। और उस नई जलोढ़ मृदा को क्या नाम दिया जाता है? उस नई जलोढ़ मृदा को नाम दे दिया जाता है खादर। तो नवीन नई या नवीन जलोढ़ मृदा को खादर और प्राचीन जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। अगर मैं पूछूं बताइए किसकी उपज अधिक होगी, किसकी उर्वरा शक्ति अधिक होगी, तो उर्वरा शक्ति नवीन की अधिक होगी, क्योंकि अभी तक इसमें एक भी बार कृषि संबंधित कार्य नहीं किए गए हैं, इसलिए इसका उपजाऊपन, इसकी उपज, इसकी उर्वरा शक्ति अधिक होगी, जबकि जो प्राचीन हो गई उसकी उर्वरा शक्ति कम होगी। तो नवीन जलोढ़ मृदा को या नई या नवीन जलोढ़ मृदा को किस नाम से जानेंगे? खादर। और पुरानी को किस नाम से जानेंगे? बांगर। पुरानी को किस नाम से जाने? बांगर। और नई को खादर। तो नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। ये बात भी इसमें गलत है, ये वाली बात भी इसमें गलत है, ये वाली भी, ये वाली बात इसकी सही है, ये वाली बात गलत है, और ये वाली बात गलत है। कह रहा है सही उत्तर का चयन कीजिएगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वतः जुताई वाली मिट्टी काली मृदा होती है। चलिए प्रश्न नंबर 6 के बाद बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। कह रहा है बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी जमुना, ऑप्शन सी मेघना, ऑप्शन डी हुगली। आइए समझते हैं मानचित्र के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिएगा ये आपका सिक्किम राज्य हुआ, ये भूटान देश हो गया, या अरुणाचल प्रदेश हो गया इस प्रकार से, ये मिजोरम हो गया, और मिजोरम के बाद ये त्रिपुरा हो गया इस प्रकार से, ठीक ना। और यहां पर ये बांग्लादेश हो गया, ये पश्चिम बंगाल है। तो तिब्बत से एक नदी निकलती है, और तिब्बत से जो नदी निकलती है इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र, लेकिन तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को एक नाम दे दिया गया, और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को नाम दे दिया गया सांगपो। ये सांगपो नदी जब आती है तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले प्रवेश करती है, और अरुणाचल प्रदेश में इसको एक नाम दे दिया जाता है दिहांग नदी। कौन सी नदी? दिहांग नदी कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में। और दिहांग नदी से दो छोटी छोटी सी नदियां आकर मिलती हैं, दिहांग नदी से दो छोटी छोटी सी नदियां आकर मिलती हैं। एक नदी का नाम दिवांग है और दूसरी नदी का नाम लोहित है। एक नदी का नाम क्या है? तो यहां पर एक नदी का नाम दिवांग है और दूसरी नदी का नाम क्या है यहां पर? तो दूसरी नदी का नाम यहां पर लोहित है। ये वही लोहित नदी है जिस पर भारत का सबसे लंबा सेतु यानी पुल भूपेन हजारिका निर्मित है। कौन सा? भूपेन हजारिका, ठीक ना। उसके बाद जब दिवांग और लोहित नदियां मिल जाती हैं तो अब इस नदी का नाम हो गया ब्रह्मपुत्र। कौन सा नाम हो गया इसका? अब इसका नाम हो गया ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ती है और असम से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। जैसे ही यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जैसे ही यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो बांग्लादेश में इस नदी का नाम चेंज हो जाता है, और बांग्लादेश में इस नदी को एक नाम दे दिया गया बांग्लादेश में, बांग्लादेश में इसको नाम दे दिया गया जमुना। क्या नाम दे दिया गया? जमुना। यहां से मान लीजिएगा गंगा नदी आ रही है, और गंगा नदी फरक्का बांध से, फरक्का बांध पश्चिम बंगाल में है, यहां पर वेस्ट बंगाल है, और वेस्ट बंगाल में फरक्का बांध से यह नदी दो भागों में बढ़ जाती है। यह नदी दो भागों में बढ़ जाती है, एक जो पश्चिम बंगाल में बहती है इसको हुगली नाम दिया जाता है, और दूसरी जो कहां चली जाती है, दूसरी नदी जो चली जाती है आपकी बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में इसको एक नाम दे दिया गया, और बांग्लादेश में इसको जो येलो कलर से बनाए हैं
बांग्लादेश में इसको नाम दे दिया गया पद्मा। अब ये पद्मा है जो बांग्लादेश में गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना, पद्मा और जमुना मिलकर एक नई नदी का निर्माण कर देती हैं। और इस नई नदी का नाम क्या है? तो नई नदी का नाम इसका है मेघना। कौन सी नदी है? मेघना। तो बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को? जमुना नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर सात का हो जाएगा ऑप्शन बी जमुना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जमुना, ठीक ना। चलिए प्रश्न नंबर बोलिए, समझ में आ रही ना बातें? किसी भी बैच में एडमिशन के लिए नीचे स्क्रॉलिंग में नंबर चल रहे हैं, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमें। चलिए प्रश्न नंबर सात के बाद प्रश्न नंबर आठ। प्रश्न नंबर आठ देखिएगा, कह रहा है पुलिकट झील। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं पुलिकट झील आखिर भारत में है कहां। पुलिकट झील भारत में आकर है कहां? तो ये रहा भारत और ये रही आपकी पुलिकट झील। पुलिकट झील, पुलिकट झील के ऊपर यहां पर आंध्र प्रदेश राज्य है और यहां पर तमिलनाडु, यानी पुलिकट झील का जो अधिकांश क्षेत्रफल है वो तमिलनाडु में है। पुलिकट झील का जो अधिकांश क्षेत्रफल है वो तमिलनाडु में है। लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पुलिकट झील कहां पर स्थित है, और ऑप्शन में एक ऑप्शन दे देगा तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन दे देगा आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन दे देगा तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश दोनों की सीमा पर, तो दोनों की सीमा पर। और अगर अलग अलग पूछेगा तो तमिलनाडु, तो यहां पर है आपकी ये पुलिकट झील, ठीक ना। अब आइएगा प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को समझते हैं। पुलिकट झील के संबंध संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो भैया भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है वो चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का है और चिल्का जो है वो उड़ीसा राज्य में है। और साथ ही साथ चिल्का ना केवल भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है बल्कि एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कौन सी? चिल्का। उसके बाद तो ये वाला ऑप्शन तो इसका गलत हो गया। कह रहा है यह मालाबार तट पर स्थित है, मालाबार तट पर स्थित है। आइए इसको देख लेते हैं। हमने अभी अभी बताया था या पिछला डायग्राम अभी हमारे पास है, ये रहा पिछला डायग्राम मालाबार तट पर। तो मालाबार तट तो भैया यहां पर होता है और यहां पर कौन सा तट है? तो कोरोमंडल। तो पुलिकट झील यहां पर है, तो पुलिकट झील कहां पर है? मालाबार तट या कोरोमंडल तट? तो पुलिकट झील कहां पर स्थित है हमारी? कोरोमंडल तट पर स्थित है। कहां पर स्थित है? तो कोरोमंडल तट पर स्थित है, यानी मालाबार तट पर स्थित नहीं है। तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी गलत हो गए। इस झील में नौकायन के लिए बकिंगम होता है, बकिंगम नहर का निर्माण किया गया है। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। जो आपकी ये पुलिकट झील है, ये आपकी जो पुलिकट झील है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश के दक्षिणी गोदावरी जिले को तमिलनाडु से जोड़ती है। यहां पर एक पुलिकट झील में एक नहर बनाई गई जिसका नाम है बकिंगम नहर। और जो यहां पर बकिंगम आपकी नहर है, ठीक ना, ये दक्षिणी गोदावरी जिला, दक्षिणी गोदावरी जिले को, गोदावरी जिले को कहां से जोड़ती है? तो दक्षिणी गोदावरी जिले को जोड़ देती है आपके तमिलनाडु से। कहां से जोड़ देती है? तमिलनाडु में, ठीक ना। और ये जो बकिंगम नहर है, अगर इसकी हम लंबाई की बात करें तो 796 किलोमीटर ये लंबी है। कितनी लंबी है? 796 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक ना। तो बकिंगम नहर, तो अगर प्रश्न देखते हैं अगर हम, तो प्रश्न में क्या है? पुलिकट झील के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी गलत है। तो सही आंसर कौन सा इसमें? तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी। सही आंसर क्या है? तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक ना। चलिए आइए प्रश्न नंबर आठ के बाद देखते हैं प्रश्न नंबर नौ। प्रश्न नंबर नौ कह रहा है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ बांधों के नाम लिखे हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित नदियां लिखी हैं। तो अगर हम बात करते हैं एक एक से प्रत्येक नदी के बारे में, तो यहां पर एक नदी है नर्मदा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है और अमरकंटक पठार से निकलने के बाद, यानी मध्य प्रदेश से निकलने के बाद, यह किस राज्य में पहुंचती है? गुजरात। और गुजरात राज्य में ही इस नदी पर एक बांध निर्मित है और इस बांध का नाम क्या है? सरदार सरोवर बांध। क्या नाम है? सरदार सरोवर बांध। तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, यह वाली बात तो भाई सही हो गई। उसके बाद है उकाई परियोजना। तो ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के मुल्तान से निकलती है।
गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र से सीमा बनाते हुए अरब सागर के खंभात की खाड़ी में गिरती है ताप्ती नदी, और गुजरात में ही इस नदी पर एक परियोजना है। इस परियोजना का नाम क्या है? उकाई परियोजना। तो यह वाली भी बात, यह वाला भी सुमेल सही है। उसके बाद कह रहे गांधी सागर बांध। तो अगर हम बात करते हैं चंबल नदी की, तो चंबल नदी पर बाबू तीन बांध निर्मित है। चंबल नदी पर कितने बांध हैं? तो चंबल नदी पर तीन बांध निर्मित है। चंबल, चंबल पर तीन बांधों में से एक बांध आपका है जिसका नाम है राणा सागर बांध। राणा सागर बांध, राणा सागर बांध के बाद दूसरा बांध जो है, इस बांध का नाम है जवाहर, जवाहर सागर बांध। और जवाहर सागर बांध के बाद जो है वो एक और है जिसका नाम है गांधी, गांधी सागर। तो राणा सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर बांध जो है वो कहां पर है? चंबल नदी पर है, ठीक ना। राणा सागर, जवाहर सागर आपके राजस्थान में है जबकि गांधी सागर मध्य प्रदेश में। तो यह वाली भी बात सही हो गई। अगर हम नागार्जुन बांध की बात करते हैं, तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से एक कृष्णा नदी निकलती है और तेलंगाना में कृष्णा नदी पर एक बांध निर्मित है, और तेलंगाना में कृष्णा नदी पर जो बांध निर्मित है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है नागार्जुन। और गोदावरी नदी, तो गोदावरी नदी पर भी तेलंगाना में एक बांध निर्मित है जिसका नाम है हुसैन सागर या निजाम सागर। तो ये वाला सुमेल सही नहीं है। नागार्जुन बांध का जो संबंध है वो जिस नदी से है उस नदी का नाम क्या है? तो उस नदी का नाम है कृष्णा नदी, ठीक है ना। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 9। उसके बाद आज की सीरीज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। और प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि हिमालय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आइएगा, कह रहा है पहला प्रश्न, इसका निर्माण यूरेशियन एवं भारतीय प्लेट के टकराने से हुआ। तो हिमालय का जो निर्माण है, अगर हम हिमालय के निर्माण की बात करते हैं, तो यहां पर एक प्लेट है जिसका नाम है यूरेशियन प्लेट, और एक प्लेट, मैं फिर से डायग्राम बनाता हूं, एक प्लेट है आपकी जिसका नाम है यूरेशियन प्लेट, और यूरेशियन प्लेट के नीचे एक प्लेट और है आपकी जिसका नाम है भारतीय प्लेट। कौन सी प्लेट है? भारतीय। और यूरेशियन और भारतीय प्लेट के मध्य में एक सागर है, और इसके मध्य में जो सागर है इस सागर का नाम है टैथिस सागर। सागर का नाम क्या है? तो यहां पर जो सागर है इस सागर का नाम है टैथिस सागर। यहां से भारतीय, भारतीय पठारी क्षेत्र से नदियां निकलती हैं और टैथिस सागर में अपने जल को गिराती हैं, साथ ही साथ अपने पानी के साथ जल बहाकर अकेले नहीं लाती हैं, उसमें अवसाद भी होते हैं। तो अवसादों का जब यहां पर जमा हो गया उसके बाद ये प्लेटें टकराई, तो प्लेटों के कारण ये अवसाद ऊपर उठ गया। इसी अवसाद को क्या नाम दे दिया गया? इसी अवसाद को नाम दे दिया गया कौन सा पर्वत? हिमालय। अब चूंकि इसका निर्माण अवसादों के द्वारा हुआ और अवसादों में, अवसादों के कारण हुआ है, अवसादों में जीव जंतुओं के अवशेष भी पाए जाते हैं, इसलिए हिमालय का जो निर्माण है या हिमालय पर जो चट्टानें पाई जाती हैं वो किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? वह अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। हिमालय पर कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? तो हिमालय पर अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक ना। तो दो बात, ये दोनों क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। कह रहा है इसका निर्माण भारतीय एवं यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ, बात सही है। उसके बाद कह रहा है यह अवसादी चट्टानों से निर्मित है, यह बात भी सही है। और आपको मालूम होना चाहिए, मैंने पब्लिक वीडियो में भी पढ़ाया है कि जहां पर जीव जंतुओं के अवशेष मिलेंगे वहां पर निश्चित रूप से ईंधन खनिज के रूप में प्राकृतिक गैस, कोयला और पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। तो जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है यानी जम्मू कश्मीर राज्य है, वहां पर भारत में वो है एकमात्र क्षेत्र है जम्मू कश्मीर, हिमालय पर्वत का क्षेत्र, जहां से सर्वोत्तम प्रकार का कोयला मिलता है, और सर्वोत्तम प्रकार के कोयले से यहां पर संबंध हमारा, मतलब हमारा एंथ्रासाइट से है। चार प्रकार का कोयला होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमेंस, लिगनाइट और पीट, जिसमें सबसे अच्छा माना जाता है एंथ्रासाइट, जिसकी जलने की क्षमता अधिक होती है और उसमें धुआं की मात्रा कम होती है, और सबसे घटिया किस्म का माना जाता है पीट कोयला। तो यहां से सर्वोत्तम प्रकार के कोयला की भी प्राप्ति होती है। तो पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प तो सही है। चौथा कह रहा है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, यह बात गलत है।
विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम एंडीज है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, और अगर ऐसा पूछा जाता विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला तो हिमालय है, लंबी एंडीज है, तो यहां पर ए ऑप्शन डी गलत हो गया और बकाया सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। कह रहा असत्य कथन का चयन कीजिएगा तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो ये आज के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न थे जिनको हमने आपको बेहतरीन तरीके से लाजवाब तरीके से हल कराया, ठीक ना। ऐसे ही आपको प्रश्न संग्रह प्रत्येक सब्जेक्ट के मिलते रहेंगे, बस आप अपनी तैयारी जारी रखिएगा, ठीक ना। टारगेट बेतालुक ऑनलाइन संस्थान आपके साथ हर एक कदम पर, हर एक एग्जाम के लिए आपके साथ खड़ा हुआ है। हमारे स्क्रोलिंग में नंबर चल रहे हैं, जिस बैच में भी आप प्रवेश लेना चाहते हैं, चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे खंड शिक्षाकारी हो, पीसीएस प्री हो, पीसीएस प्री का मेंस हो, सारे नंबर नीचे चल रहे हैं, आप कांटेक्ट करके एडमिशन प्रक्रिया की जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए सत श्री अकाल, नमस्कार।